खबर बलिया से है। श्री गुरु गोविंद सिंह के 354वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को गुरुद्वारे से पंच प्यारों की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा निकाले गए। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में पुरुषों, महिलाओं व बच्चों ने भाग लिया। सबद कीर्तन करते हुए अनुयायियों का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा निकाल कर कासिम बाजार, टाउन हॉल रोड, स्टेशन चौक रोड होते हुए निर्धारित मार्ग से वापस गुरुद्वारा पहुंची। इस दौरान समाज की महिलाएं शोभा यात्रा के मार्ग पर झाड़ू व पानी से सफाई करती रहीं। कोरोना संक्रमण का असर शोभा यात्रा पर भी दिखा। हर वर्ष की भांति इस बार कर्तव्य पार्टी व झांकी नहीं थी। संक्रमण से बचाव के लिए कमेटी द्वारा मास्क, सैनिटाइजर व शारीरिक दूरी पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया। चाहते हैं मानव देवेंद्र सिंह चावला, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आज आप कहाँ, किस प्रकार का कार्यक्रम था, कैसा कार्यक्रम था, हम जानना चाहते हैं। हमारे यहाँ आज श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 354 प्रकाशोत्सव मनाया गया। उसके उपलक्ष्य में विराट शोभा यात्रा निकली, गुरुद्वारे से विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस गुरुद्वारा आई। कितने बजे निकली थी यात्रा? ये यात्रा यहाँ से गुरुद्वारे से 12:30 बजे निकली। हाँ। जो कि 5:30 बजे तक गुरुद्वारे में हम लोग वापस आ गए। इस शोभा यात्रा के दौरान हमारे भूतपूर्व मंत्री नाद राय जी और लक्ष्मण गुप्ता जी, विधायक सुरेंद्र सिंह जी बेरिया और सांसद नीरज शेखर जी उपस्थित थे। उसके बाद माननीय डीएम महोदय और एसडीओ बलिया गुरुद्वारे में आए थे। हम आपसे जानना चाहते हैं, जो शोभा यात्रा आप निकली, इस शोभा यात्रा का माध्यम से क्या उद्देश्य रहा निकालने का, और इस शोभा यात्रा का माध्यम से लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? लोगों को ये संदेश देना है, हम लोग सब भाई भाई हैं, कोई हम लोग ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा सर्वस्व पूरा नछावर कर दिया। और अभी सवाल भी है, अवर अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर पे सब जो कौन भले कौन बंदे, ईश्वर एक है। और अरदास भगवान करने लायक अरदास करने अन्य मार्ग मार्ग हैं। जी हम आपके ये जानना चाहते हैं, आज जो आपके यहाँ शोभा यात्रा अंतिम शाम को निकली, बंद हुई, तो इसके अलावा भी और कार्यक्रम आपके हुआ? इससे कल का कार्यक्रम है 18 तारीख को रात को गुरुद्वारा में 7 बजे से लेकर 9 बजे, उसके उपरांत गुरु का लंगर है। 19 तारीख को ही प्रोग्राम 9 बजे से लेकर 10 बजे तक है। और इसमें बाहर से आए हुए प्रचारक, इलाहाबाद से आए प्रचारक हैं, वो अपनी कथा। मेरा नाम जो है सरदार सिंह है और मैं जी हम आपसे जानना चाहते हैं, आज जो कार्यक्रम हुआ ये कैसा कार्यक्रम था और इसका क्या उद्देश्य था? ये हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में, जो 20 तारीख को उनका प्रकाश उत्सव है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज बलिया के सिख समाज के लोग शोभा यात्रा जो है नगर कीर्तन करते हुए जो है निकाले हैं उनके प्रकाश उत्सव की खुशी में। जी हम आपसे जानना चाहते हैं, जो आप शोभा यात्रा निकाले हैं, लोगों को या हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे गुरुओं ने जो है कुर्बानियाँ दी हैं और किसी से भेदभाव और ऊंच नीच का विचार नहीं रखा, किसी पे जुल्म करना, उसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व दान किया है, कुर्बानियाँ दिया हैं। और यही संदेश जो है पूरी दुनिया में आम लोगों तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन पर क्लिक करना।